हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड की जोड़ियों को लगता है लग गई है किसी की नजर, तभी तो जहां इस वक्त हर कहीं हेमा और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा की शादी 11 सालों के बाद टूटने की कगार पर है, वहीं अब बॉलीवुड फिल्म मेकर और एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार की शादी भी 19 सालों के बाद तलाक की कगार पर आ पहुंची है। वैसे ये दोनों जोड़ियां अक्सर सुर्खियों में रहा करती थी, कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी फैशन के चलते, पर इस बार इनकी जिंदगी ने ले लिया है दूसरा मोड़, जिसकी वजह से ये दोनों हैं चर्चा में। ऐसा माना जा रहा है कि दिव्या और उनके पति भूषण कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया में दिव्या और टी सीरीज म्यूजिक और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भूषण कुमार के अलग होने की खबरों ने तेजी से तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि दिव्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने नाम के आगे से कुमार सरनेम हटा दिया है। इतना ही नहीं, रेडिट पर उनके फैंस ने दिव्या के फॉलोइंग लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने टी सीरीज को भी अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद दिव्या और भूषण कुमार को लेकर तमाम यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि क्या दिव्या और भूषण एक साथ हैं या दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि इस खबर को लेकर अब तक ना ही दिव्या खोसला और ना ही भूषण कुमार की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है, पर कहते हैं ना कि जहां आग लगी होती है धुआं भी वहीं से उठता है, और इस बार तो ऐसा धुआं उठा है कि लोग भी चौंक गए हैं। वैसे आपको बता दें कि पर्सनल लाइफ में दिव्या अक्सर अपने पति भूषण कुमार को सपोर्ट करती ही दिखती हैं, और साल 2018 में एक महिला ने भूषण पर मी टू के दौरान उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी कुछ सुनना भी पड़ा था। हालांकि इस पूरे मामले के दौरान उनकी पत्नी दिव्या उनके सपोर्ट में खड़ी थी, पर अब इस खबर ने बॉलीवुड प्रेमियों को फिर से बड़ा झटका दे दिया है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।